राइट. सो दिस वॉज द होमवर्क गिवन टू यू चिल्ड्रेन, जिसमें वी वर सपोज टू फाइंड हाउ मेनी रियल सोल्यूशन आर देयर. तो देखो इसको करना बहुत ईजी था, ये आपके पास अंडर रूट के अंदर है, और जैसे ही मैं tan इनवर्स देखता हूँ तो मुझे tan इनवर्स के बारे में इतनी चीज ध्यान आती है कि had it been only tan inverse x, so we understand that the domain, right, x, x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, x belongs to any real number. और अगर मैं sin इनवर्स की बात करता हूँ, sin इनवर्स x की बात करता हूँ, तो ये sin इनवर्स x आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बेटा, इसमें x can be anywhere between -1 to +1. ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कर रखी थी. नाउ बेस्ड ऑन दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आइए करके देखते हैं. सो एक तो यहाँ पे अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट की कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, दैट द अंडर रूट थिंग व्हिच इज x * x + 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. किसी भी केस में ये 0 या फिर उससे बड़ा ही होगा. तो मैं इस पॉइंट को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, दैट x² plus x is greater than equal to 0. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आई लुक इन टू दिस, राइट, मैं इस बात को देख रहा हूँ. अब यहाँ ये साइन इनवर्स वाली चीज़ है, ये समझ में आता है कि जो भी यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है वो सारी चीज़ -1 से +1 होनी चाहिए. देखो बेटा -1 तो हो नहीं सकता, बिकॉज अंडर रूट वाली चीज़ हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी. ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा. दैट मीन्स अभी ये हमें tan के डेफिनेशन से इक्वेशन 1 मिला, साइन के डेफिनेशन से हमें क्या मिल रहा है, दैट दिस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट, दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 1, राइट. ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन -1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ द अंडर रूट थिंग. ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है तो ग्रेटर देन -1 से लेके 0 तक वो डिफाइन नहीं होगा बेटा, दैट वॉन्ट बी रियल सॉल्यूशंस. तो ये सिर्फ 0 से 1 ही आएगा. यहाँ मैंने यहाँ पे 0 से 1 लिखा, और 0 से 1 जब हमने लिखा है, राइट, जो हमने 0 से 1 यहाँ पे लिखा है, तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि ये इस तरीके से है. अब मैं यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 से एक चीज़ कंसिडर करूँ, ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 1, और ये कह रहा है x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन 0. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल बच्चों, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, राइट. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करने का सिर्फ एक तरीका है, व्हाट, दैट x स्क्वायर प्लस x हैज टू बी इक्वल टू 0. व्हाई, बिकॉज़ अगर ये 0 से बड़ा हो गया बेटा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ साइन इनवर्स कभी 1 से, साइन इनवर्स x में कभी भी ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहां से हमारे को ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको देखो तो ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है एंड यू गेट x इज इक्वल टू 0 और इट इज -1. And you can easily verify this as well. अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो क्या मिलता है आपको, tan inverse 0 मिलता है, और अगर आप -1 रखते हो तो भी tan inverse 0 मिलता है. यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, 0 पे 1 मिलेगा, और -1 पे क्या मिलेगा, -1 पे भी ही आपका 1 ही मिल रहा है. ठीक है, इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए था, राइट, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर, सो देयर आर टू रियल सॉल्यूशंस. ठीक है, देयर आर टू रियल सॉल्यूशंस, एंड व्हाट आर दोस सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस आर 0 एज वेल एज -1. So let me see the hands if it is understood, children. Show me your hands fast. Good, that is okay. Fine. Fair enough. I gave you one more question that was done by Akshit. Both the questions were done by Akshit. Akshit ne ye solution mujhe bhej diya tha. So screen share, new share, screen share kar deta hu. Now we have this. हमें practice questions में एक ये दिया था to find the value of this. इसकी value बतानी है. अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ये expression देखता हूँ मुझे एक चीज समझ में आती है कि inverse जितने भी trigonometrical functions होते हैं बेटा वो ultimately होते तो angles ही है ना. तो ये जो expression दे रखा है अगर मैं इस term को a कह लूँ और इसको b कह लूँ तो ये क्या कुछ जानी पहचानी सी चीज नहीं लग रही हमें. This is tan of a minus b. And what is tan of a minus b? It is tan of a minus tan of b upon 1 plus tan a into tan b. Right?
That is the expression that we can take. हाँ हाँ definitely this is going to be a problem. ये क्या होगा, ये इसको कैसे deal करना है, इसकी बात हम अभी करेंगे. But हाँ, इस expression को हम इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है. और tan d तो बहुत अच्छी सी बात है. Tan pi by 4, you understand that will be 1, right? Tan pi by 4 will be what? That will be 1. तो अब जो चीज जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. तो बेटा ऐसा करते हैं, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जरा इसको देखते हैं ये है क्या. tan inverse of 1 by 5 is some angle. Can I take it as theta? I'll take it as theta. ठीक है, तो जो हमें दे रखा है वो 2 theta दे रखा है. हमें twice of that angle is given. That means we are here with 2 theta. ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं simply अभी इसके जगह पे 2 theta लिख देता हूँ. ठीक है, I'll keep it 2 theta. Right? और हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, that theta is what? Theta is tan inverse of 1 by 5. ठीक है, tan inverse of 1 by 5 यहां मैंने अप्लाई किया. और लेट्स नॉट फॉरगेट, a हमारा क्या है, a इज 2 थीटा, राइट? a इज व्हाट? 2 थीटा एज पर आवर अजम्पशन. a इज व्हाट? a इज 2 थीटा. तो यहां मैंने इन वैल्यूज को रखी बेटा, ये मेरे पास आ रहा है tan of 2 थीटा, दिस tan of 2 थीटा minus 1. why minus 1? because tan b is tan pi by 4 and tan pi by 4 is 1. ठीक है, और 1 upon tan a tan b, right? tan a is tan 2 theta and tan b is 1. So this is the expression. Now once I get the value of tan 2 theta, things would be sorted out. जैसे ही हमें 2 theta की value पता लग जाए, चीजें solve हो जाएंगी ना. अब theta मुझे मालूम है, ठीक है, theta मुझे मालूम है. यहाँ पे अगर क्या मैं tan theta निकाल सकता हूँ? Definitely yes. Taking tan on both the sides, tan theta is equal to what? tan of tan inverse 1 by 5. So definitely tan theta is what? tan theta is 1 by 5. हमें tan theta की value तो पता है. और once we know the value of tan theta, I'm pretty sure all of you know how to calculate tan 2 theta. That is going to be twice of tan theta upon 1 minus tan square theta. The moment you substitute the values that you know, what do you get? This is 2 upon 5 upon 1 minus 1 by 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 1 upon 25. आप अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 25 नीचे है, राइट? इस 25 को मैं नीचे लेता हूँ, 25 minus 1 is 24, और ऊपर मेरे पास 2 by 5 है. ये वाला 5 इससे कैंसिल हो रहा है और ये वाला 2 इस 12 से कैंसिल हो रहा है. ये चीज जो है अल्टीमेटली जो मेरे पास आ रही है, मेरे ख्याल से 5 upon 12 आ रही है. ठीक है, तो tan 2 theta इस एक्सप्रेशन में मुझे ये 5 upon 12 मिल रहा है, राइट? दिस इज 5 upon 12 minus 1 over 1 plus 5 upon 12. When you solve this, this would be 5 minus 12, which is minus 7, and नीचे it is 17. So the final answer has to be minus 7 over 17. Children, if it is again understood, please show me your hands fast. समझ में आ गया? हाथ ऊपर करके बताओ. नहीं समझ में आया, चैट बॉक्स यूज करो, माइक यूज करो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल. ओके, सो दिस रिपीट कर दीजिए. रिपीट कर देता हूं. अच्छा चलो भाई, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसी सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर से. एक बार रिपीट कर लेते हैं. देखो भाई, कुछ नहीं करना था. tan ऑफ a माइनस b, मैंने बिकॉज़ देखो बेटा, ये तो तुम्हारा अल्टीमेटली एंगल ही है ना. इनवर्स कोई भी होता तो एंगल होता है, ठीक है. मैंने इसको एक एंगल a ले लिया, इसको एंगल b ले लिया. tan a minus tan b क्या होता है? tan a minus tan b is tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. tan b की वैल्यू देखना बहुत इजी है. tan pi by 4 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है. और ये कितना है? ये अगर थीटा है तो ये हमें क्या दे रखा है? 2 थीटा दे रखा है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 थीटा को कैसे डील करें. तो 2 tan inverse 1 by 5 is 2 थीटा. तो थीटा कितना है? थीटा इज tan inverse 1 by 5. तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा तुम्हारे पास 1 by 5 हो गया. अगर tan theta 1 by 5 हो गया बेटा, तो tan 2 theta की वैल्यू हमने निकाल दी. tan 2 theta कितना होता है? 2 tan theta over 1 minus tan square theta. ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की. This is coming out to be how much? ये आपके पास 5 upon 12 आ गया, ठीक है. tan 2 theta कितने आ गई? 5 upon 12 आ गई. इसी 5 upon 12 को हमने यहाँ पे रखा and we get the final answer as how much? 7 upon 17. I hope it is fine. ठीक है. Now I'll come to your doubts that you have sent me. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं बीच में, अगर तुम्हें कुछ और क्वेश्चन में डिस्कस करना हो, यू कैन स्टॉप मी देयर, राइट? जो भी स्क्रीन पे जो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं उनमें से पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपने मेरे पास भेजे हैं डाउट्स के फॉर्म. नाउ वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट? सम ऑफ यू सेंड द डाउट इन द पर्सनल ग्रुप,
राइट आप मुझे मतलब पर्सनली मुझे भेज देते हो, देखो सबको कलेक्ट कर भी, तो चलो डाउट्स कम थे तो इजीली कलेक्ट हो गए, कई बार क्या होता है डाउट्स आपके अच्छे खासे होते हैं राइट, विच आई इनकरेज, अच्छी बात है, डाउट्स आपके जितने ज्यादा हैं उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो वो डाउट्स आप अगर एक ही जगह भेजे, आपका ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है ना, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं कर रहा है, दोज हुआ न्यू, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, राइट, लाइक गोविंद, आई कैन सी गोविंद इज न्यू, राइट, ही हैज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे, देन सम स्टूडेंट अद्विता इज न्यू, कुछ बच्चे जो नए हैं मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, जो बच्चे ऑफिशियल ग्रुप में ऑलरेडी हैं आप अपने डाउट इकट्ठे भेजा करो बेटा, उससे क्या होगा मेरे लिए कंपाइल करना इजी होता है, एक जगह से मैं सारे डाउट उठा के, तो आई वोंट मिस योर डाउट, ठीक है, हालांकि अभी मैं बहुत ध्यान से कलेक्ट करता हूँ, आई डोंट मिस एनी ऑफ योर डाउट, बट स्टिल अगर आप एक जगह भेजेंगे तो उसको मैनेज करना और आप तक फिर कम्युनिकेट करना ज्यादा ईजी होगा, राइट, ठीक है। चलो देखो ये दो क्वेश्चन मुझे भेजे गए थे, राइट, दीज टू क्वेश्चन 4 and 5। नाउ ये 4 और 5 जो है दे आर एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, और सर 1 का 4th, अच्छा 1 का 4th, 1 का 4th कौन सा है, 1 का 4th ये, चलो भाई ठीक है इसको भी देख लेते हैं, राइट, ये अभी अभी चैट बॉक्स में किसी ने भेजा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए लेट मी स्टार्ट विद द 4th one, ठीक है, यहाँ छोटी सी स्पेस हमने रखी है सॉल्व करने के लिए, इसको यूज करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, राइट, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। तो अनंत इज नॉट हियर बेटा, अनंत इज नॉट हियर, अच्छा अनंत इज नॉट हियर, अच्छा अच्छा अनंत इज नॉट हियर, तो इसके डाउट्स भी रहने दे क्या, चलो एक ही सेम सही कह रहे हो, राइट, एज अनंत इज नॉट हियर तो उसके डाउट्स रहने देते हैं, अगर किसी और, हालांकि बहुत इजी है, ओरली समझा देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट, इन केस अगर किसी और को पूछना हो, साइन इनवर्स जेड था और साइन इनवर्स टी था, राइट, दे आर वेरी सिंपल, और ये चीज तुम्हें 2π दे रखी है, तो ये तुम्हें सिंपली ये समझना है कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास -π से +π के बीच में होती है ना, इसकी वैल्यू जो है ये -π से -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 से +1 होगी और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -π से -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो इन चारों का सम कितना दे रखा है, इन चारों का सम तुम्हें दे रखा है, इट इज 2π, दैट सिंपली मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, राइट, 2π, जब सबके चारों के चारों अगर π/2 होंगे तभी ये 2π पॉसिबल है, ठीक है, एंड दैट इज वाई इसका आंसर ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स π/2 कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मींस एक्स वाई जेड टी सबके सब 1 होंगे, इन्होंने बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बड़े आसानी से हम लोगों को इसमें आंसर मार्क कर देना चाहिए था 4, एंड द सेम टेक्निक इज यूज्ड हियर, यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका π/2 का होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज 3π² / 4 इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव π/2 होल स्क्वायर, π/2 होल स्क्वायर व्हिच इज द लिमिट, राइट, इससे बड़ी वैल्यू ये ले ही नहीं सकता, रेंज में ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगेन यहां पे ये वैल्यू कब पॉसिबल है, व्हेन x y z दे आर इंडिपेंडेंटली 1, एंड दैट इज व्हाई दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3। वेलकम टू द 4th part व्हिच वन ऑफ यू हैज आस्क्ड, 1st का 4th part, राइट, अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ रहा प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन यूज योर माइक और द चैट बॉक्स, व्हाटएवर यू फील लाइक। ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बस थोड़ा सा तुम्हें इसमें वैल्यूज को सही तरीके से सोचना चाहिए था, जैसे ये साइन इनवर्स दे रखा है बेटा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ √3 + 1/(√2), राइट, इन ऑर्डर टू मेक इट अ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू I'll express it, I'll split it into different forms. जैसे कि मैं इसको लिखना चाहता हूँ 3/2 × (√2) + (1/√2) × (1/2). Can I write like that, Abhishek? लिख लें ऐसे? Yes, sir. बहुत बढ़िया। जैसे ही ऐसे लिख लिया बेटा तो काम तो यहीं पे खत्म हो गया ना भाई, ये √3/2 साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है भाई, isn't it sin π/3, बोलो, और ये कितना है, yes, sir. This is cos π/4, sin π/3 cos π/4, इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा sin π/4 और ये इसको लिख लूंगा cos π/3,
तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी सो दिस इज कमिंग आउट टू बी साइन इनवर्स पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय फोर राइट इन वैल्यूज को अगर हम ऐड करें मेरे ख्याल से ये 12 हो गया और ये 7 पाई बाय 12 शुड बी द आंसर फॉर दिस 7 पाई इसमें 5 पाई बाय 12 दे रखा है सही कर लो गलत दे रखा है राइट अगर किसी का 5 पाई बाय 12 आ रहा है तो अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है मेरे ख्याल से इसका आंसर 7 पाई बाय 12 आना चाहिए दिस इज एब्सोल्युटली फाइन एनी कॉन्ट्रडिक्शन यू कैन राइट अवे टेल मी डिस्कस इट आउट राइट अवे नथिंग टू टेक बैक होम राइट कोई भी डाउट घर ले जाने की वापस जरूरत नहीं है सो द आंसर इज 7 पाई बाय 12 अक्षय डू यू हैव एनी डिफरेंट आंसर आई कैन सी योर हैंड अप नो सर राइट सो इसके आंसर की में गलती है बेटा ठीक कर लो आंसर विल बी 7 पाई बाय 12 अभिषेक आई होप इट इज फाइन यस सर ठीक है कम टू द नेक्स्ट डाउट दिस वाज आस्क्ड बाय समृद्धि आज के इस क्लास में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लास्ट क्लास में भी हमने कोशिश की थी कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी आपके डाउट्स के बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं डिस्कस करने के नाउ यहां पे हमें क्या करना है वी आर सपोज टू फाइंड व्हिच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1 हालांकि ये तो देख के पता लग रहा है बट ये अगर स्कूल लेवल क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लें बल्कि आंसर इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस आंसर को एक्सप्रेस कैसे करें इन आवर स्कूल एग्जाम ठीक है तो मैं यहाँ पे इस बात से आपको शुरू करना चाहूंगा दैट यू अंडरस्टैंड दैट वन इज ग्रेटर देन पाई बाई फोर आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट पाई इज 3.14 रफली एस्टिमेट राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई 3.14 सो 3.14 डिवाइड बाई 4 हैज टू बी लेस देन 1 ठीक है दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 इतनी बात तो हमें समझ में आती है राइट देखो 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 अगर मैं यहाँ पे Let's say, मान लो tan यहाँ पे लेता हूँ ठीक है tan लेता हूँ तो 1 is greater than pi by 4 that simply means tan 1 is greater than tan pi by 4 obviously बात है अगर 1 आपका इससे बड़ा होगा और tan आपका increasing function है तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपने डोमेन में इसको सेटिस्फाई करेगा ठीक है दैट इज योर फर्स्ट थिंग ओके और tan पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1 यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूंगा कि tan 1 इज ग्रेटर देन 1 ओके राइटिंग इट दिस वे तो मैं इसको इक्वेशन 1 ना बोल के लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 ठीक है अभी मैंने एक रिलेशन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ये आएगा तो कैसे करोगे तुम अदरवाइज तो ये मैं तुम्हें अभी अदरवाइज दूसरे तरीके से बता दूंगा कि ओरली कैसे तुम इसको आइडेंटिफाई करोगे मैं इसकी बात भी कर दूंगा पहले एक बार रिटन तरीके से समझ लेते हैं फिर इसको ओरल तरीके से भी देख लेंगे डायरेक्टली आंसर कैसे निकालोगे एक चीज तो ये है कि 1 इज ग्रेटर देन पाई 4 तो यहाँ से हम लोग इस कंक्लूजन तक आ गए आई होप इट इज ओके समृद्धि ठीक है नाउ यस सर द सेकंड पार्ट वाज कि इसमें इनवर्स का भी रिलेशन लेके आना है बेटा ठीक है तो ऐसा करते हैं कि ये जो 1 is greater than pi by 4 है ठीक है अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इसमें दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं ठीक है अगर मैं इसमें इनवर्स ले लेता हूँ तो tan इनवर्स सर बोलो बोलो सर हाँ बोलो सर फर्स्ट इक्वेशन में ही tan इनवर्स बोथ साइड ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में ये बात भी सही है फर्स्ट इक्वेशन में अगर इनवर्स ले तो ज्यादा इजी हो जाएगा ही इज करेक्ट चलो ऐसा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में इनवर्स ले लेते हैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में इनवर्स दोनों तरफ लेते हैं बेटा तो मुझे क्या मिलता है tan इनवर्स ऑफ tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ 1 बिल्कुल सही ये तुम्हारे पास 1 आ गया और ये tan इनवर्स 1 यू अंडरस्टैंड इट इज पाई बाई 4 तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बेसिस पे हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो एक कॉमन वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट tan 1 इज ग्रेटर देन 1 1 इज ग्रेटर देन दिस इज व्हाट दिस इज tan इनवर्स 1 राइट दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 1 सो इट इज प्रीटी श्योर व्हिच इज ग्रेटर राइट tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 वो चीज हमें यहां से ऐसे साफ-साफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल एग्जाम पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वुड बी एनफ to get all the marks but
यहाँ पे अब एक बात और आती है कि तुम इसको स्ट्रेट अवे अगर ये गलती से अलग की ऑब्जेक्टिव में तो ये कैसे पूछेंगे पता नहीं, लेकिन ना तुम अब इसको अगर डायरेक्टली समझने का हो तो कैसे समझ सकते थे इस बात को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ. गिव मी जस्ट वन मिनट. टैन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर, यू अंडरस्टैंड दैट. मैंने कई बार कहा कि ये वैल्यू कई जगह पे होगी लेकिन आप हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी है, पाई बाई फोर है, ठीक है. और टैन वन की जहां तक मैं बात करूंगा तो शायद तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि पाई तुम्हारे पास 3.14 होता है. और अगर यहाँ पे ये डिग्री नहीं लगा हुआ है इसका मतलब सिंपली क्या है, ये रेडियन है, ठीक है. दिस इज वन रेडियन, वो तुम्हें सी लिखा हुआ नहीं होता, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो रेडियन है, राइट. और वन रेडियन की जो वैल्यू होती है डिग्री के फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 180/3.14. दिस एग्जैक्टली दिस, राइट. अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो आई थिंक 58 point some degrees आता होगा, ठीक है. 58 or 56 के बीच में आता होगा, मतलब इट इज जस्ट स्लाइटली लेस देन 60 degree, ठीक है. अब tan, tan जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट. tan 1 यानी कि tan 45 जो है वो तुम्हारा 1 होता है. tan 45 इज 1. तो समझने की बात ये है कि tan 45 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होती जाएगी ना. इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, राइट, इट इज पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्वाइट ऑब्वियस ये कौन सा है, ऑब्वियसली बट दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. दिस इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 एज वेल एज 1, ठीक है भाई समृद्धि. Yes, sir. Okay. Next question आपका ये था, find the minimum value of n for which tan inverse n by pi is greater than pi by 4. Again, this is very easy question, beta. Right? मैं इसमें ये suggest करूँगा, and n belongs to natural number, it is given to you. ठीक है? Tan inverse n over pi is greater than pi by 4. Why don't we take tan on both the sides? The moment I take tan on both the side, the left hand side would become only n upon pi, right? And this side would become what? This side would become tan of pi by 4. And tan of pi by 4, that means n over pi, right? N over pi is greater than 1. That simply means that n is greater than pi. If n is greater than pi, you understand that n is greater than 3.14. Now, this is the, we need to find the minimum value, smallest value, right? So definitely the smallest value of n is what in the given domain, the where it is a natural number and has to be equal to 4. Samriddhi, I hope that is fine again. Yes, sir. That was easy. Okay. Next question ye tha. देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा. मैंने जरूर से पहले आपको बताया होगा लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ. व्हेनेवर यू हैव एनी फंक्शन hx इज इक्वल टू fx + gx, राइट, fx + gx. यहाँ पे तुम अगर देखो तो यहाँ पे ये फंक्शन दो फॉर्म में, राइट, hx + gx और hx - gx, डजंट मैटर. और आपसे बोला गया व्हाट इज द डोमेन ऑफ hx, what is the domain of hx. So dhyan rakhna, the answer would always be domain of fx intersection domain of gx. Jo bhi usme common part hai, right, that will be the final domain for hx. Theek hai, always be very clear about this. If you want to take a note of that, you can and you should. ठीक है, इफ यू नो इट वेरी गुड. अगर नहीं जानते थे इस बात को, भूल गए थे या तुमसे मिस हो गया था, तो ये वाली चीज अपने पास परमानेंटली रखना. अब सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत इजीली अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये tan inverse second inverse x है, राइट. अब second inverse x जो अगर हम ध्यान दें बेटा, तो ये आपका कहां से कहां तक था, ये आपका माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक था, यूनियन, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक था, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है. और डेफिनेटली मैं इसको ओपन ब्रैकेट में रखूंगा. सिमिलरली मैं अगर tan inverse x की बात करूं तो tan inverse x क्या होता है, ऑल रियल नंबर. अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा बेटा, अगर थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में थोड़ी भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए. ये रहा आपका राइट साइड पे प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड पे माइनस इंफिनिटी, ये रहा आपका माइनस 1 और यहाँ कहीं पे 1. ये कह रहा है ऊपर, मान लो ये fx है, दिस इज fx, और ये कह रहा है gx, ठीक है. तो gx तो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक सब कुछ, और fx क्या कह रहा है कि इससे छोटा या फिर इससे बड़ा,
तो दोनों का कॉमन क्या है, जो चीज ये कह रहा है दोनों और ये कह रहा है दोनों का ये, तो कॉमन क्या है? ऑब्वियसली दिस इज द कॉमन थिंग, माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा. सो द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट दैट यू हैव आस्क्ड समृद्धि, आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 4.4, राइट, एक्सरसाइज 4.4 आरडी शर्मा. ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते थे एंड दैट शुड बी द आंसर, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन एंड वन टू इनफिनिटी. समृद्धि, इज इट ओके बेटा? यस सर. इसको ध्यान रखना, ठीक है, keep that thing. और भी बहुत अच्छे questions में ये as it is apply होगा. Okay, I'll proceed ahead. कुछ questions ये exercise 4.2 के हैं, ऐसे तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी आएगी नहीं, but फिर भी एक दो random questions हम out discuss करते हैं, right? Just for the sake of practice, we'll discuss them. Let's say randomly 5 का first part कर लेते हैं और 4th का fourth part कर लेते हैं. और तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज ऐड चैट बॉक्स में या माइक यूज करके मुझे बता सकते हो कि हाँ सर ये भी डिस्कस कर लो. चलो फिलहाल ये दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेके चलता हूँ, राइट. ग्रेजुअली मेरी कोशिश आज ये होगी कि इन सब बेसिक चीजों में हम कंफर्टेबल हो जाएं और इस पर्टिकुलर पोर्शन से जो आईआईटी के क्वेश्चन आ रखे हैं उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था विल बी मूविंग ऑन टू व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ. ठीक है, वहां हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की बात करेंगे, बट सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसीलिए थोड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी प्रैक्टिस देम इन अ प्रॉपर मैनर. तो आइए फोर्थ का फोर्थ पार्ट से शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें सोचने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, राइट. हाउ शुड वी अप्रोच द क्वेश्चन, आंसर इज इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें नीचे लिखा भी है, राइट. आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो. मैंने बताया अच्छे क्वेश्चंस में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस अच्छे आपको मिलते जाएंगे. देखिए यहाँ पे हमारे पास है cos inverse tan of pi by 4. जैसे ही मैं cos inverse देखता हूँ मुझे एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आती है कि इसका आंसर जीरो से पाई के बीच में होगा. मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना माइंड खोल के तुम्हारे सामने रख सकता, इसलिए मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ. So that you can understand, that should be the thought process. Okay. So the first thing when I look at this question is I understand that the final answer has to be between 0 to pi. The first thing. Okay. अब बात आई कि tan 3 pi by 4 कितना होगा? तो यार अब ये सब तो 11th class की बातें हैं. This is your x-axis. This is your y-axis. 3 pi by 4 is nothing but this angle, right? This is pi by 2, and this is pi by 4. 3 pi by 4 can be understood as, इन चीजों में comfortable आपका होना बहुत जरूरी है बच्चों, right? ये सब चीजें देख के समझ में आनी चाहिए, ये सब चीजें आपको देख के समझ में आनी चाहिए कि ये या तो pi by 2 plus pi by 4 लिख लें या फिर pi minus pi by 4 लिख लें. ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये देख के तुम्हारे माइंड में, खास करके जो लोग IIT और competitions की तरफ दिमाग रखते हैं वो ये इन चीजों में एकदम ये सब चीजें माइंड में इमीडिएटली आनी चाहिए. आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीजें ऑलरेडी समझते होंगे. नाउ तो जैसे ही आपने ये बात समझ ली तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये टैन है, तो टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पाई बाई फोर पे वन होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन. ठीक है, यानी ये कितना हो गया? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन. ठीक है, स्ट्रेट अवे एक्चुअली ये सब बातें जो मैंने लिखी ये वो चीजें मैंने बताई जो थॉट प्रोसेस था, एक्चुअली मैं यहाँ से सीधा यहाँ आने का था. ठीक है, अब बात आई कि कॉस इनवर्स माइनस वन इस पर्टिकुलर रेंज में कहाँ पे आता है, तो मुझे उम्मीद है आपको ध्यान होगा कि कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन, हेंस द आंसर इज व्हाट? पाई. तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर हमें क्या देना चाहिए था? द आंसर शुड बी पाई. ठीक है, That must be the correct answer. Fourth का fourth part, fourth का fourth part is fourth. ठीक है, that is okay. आओ इसको देखते हैं. Find the principal values. अच्छा एक question और करेंगे इसमें, domain वाला question भी एक करते हैं. है ना, easy questions हैं. बट हाँ तुम्हारी foundation easy questions से ही बनती है ना. फिर जब तुम इन चीजों को अच्छे समझने लग जाते हो, तुम अच्छे questions करते हो. And then you are comfortable solving even the best of the best questions. Right? आज मैं तुम्हारे साथ IIT mains का question भी एक दूंगा और एक बढ़िया सा advanced question भी दूंगा. And इसी topic से जो हम अभी कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन हाँ प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज फिर आगे वो चीजें मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. इफ कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है प्लीज आस्क इट वन मोर टाइम. ठीक है, दोबारा से पूछो उस बात को. चलो भाई देखते हैं इसको. लेट अस सी दिस वन, कॉस इनवर्स हाफ एंड दिस वन, राइट. पहले ये करेंगे फिर सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे. आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन ये क्लियर कर लूं.
आज का ये वीडियो अपलोड नहीं होगा, ऑल्दो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर एब्सेंट है तो मैं उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बट मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा, है ना, यू नो दैट आई डोंट अपलोड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब. लेट्स सी द सेकंड पार्ट. वी हैव टू फाइंड, अच्छा ये पहले फिफ्थ क्वेश्चन करना था, चलो फिफ्थ कर लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में कॉस इनवर्स हाफ है, राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. कॉस इनवर्स हाफ और ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, बहुत इजी से दो पार्ट दे रखे. अब देखो भाई, ये इसकी वैल्यू जीरो से पाई के बीच में हमें देखनी है, और इसकी वैल्यू हमें माइनस पाई बाई टू. ये थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ बेटा, आई एम श्योर आप में से कई लोग इसके आंसर अभी तक निकाल चुके होंगे, बट हाँ तुम्हारे माइंड में क्या चीजें चलनी चाहिए ये मैं बार बार डिस्कस करूंगा. ये जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए. ये चीज बार बार समझना, बिकॉज आगे अभी अच्छे क्वेश्चन में ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है. तो हमने ये देखा कि कॉस इनवर्स हाफ है, राइट. अब ये कहाँ पे आता है, ये हमारा आता है 60 डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री पे. तो इसकी वैल्यू हमें लेनी चाहिए पाई बाई थ्री, ठीक है. और ये कहाँ पे आता है, हाफ कितने पे आता है, ये साइन थीटा हाफ कब होता है, ये 30 डिग्री पे होता है यानी कि पाई बाई सिक्स पे. पाई बाई सिक्स को टू टाइम्स करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी पाई बाई थ्री हो जाएगा, राइट. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू पाई बाई थ्री. फिफ्थ का फर्स्ट इट इज टू पाई बाई थ्री. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप इट इज क्लियर. If it is not, don't hesitate in asking your doubts. पूछ लो भाई. मैं 10 seconds के लिए रुकता हूँ. अगर कुछ को doubt है तो mic on करके पूछ लो. Okay. Coming to the domain वाला question, इसको भी एक करेंगे. आइए second question देखते हैं. अब मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी अगर दो function तुम्हें दिखते हैं तो क्या क्या समझा करो, fx और gx. जो इसका domain है और जो इसका domain है उसका जो intersection होगा वो answer होगा, ठीक है. तो मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 2 cos inverse 2x plus sin inverse x, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास. अब बेटा डोमेन अगर मैं इसके बारे में पहले सोचता हूँ, राइट, तो ये समझ में आता है यहाँ पे हमारा x कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, ये मेरा माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा, ठीक है. इसका डोमेन तो माइनस वन से प्लस वन हो गया. अब यहाँ पे इस टू से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रेंज की तो बात कर नहीं रहे, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ x की वैल्यूज चाहिए. तो हमने x की वैल्यू पे बात की, तो ये जो अब हमारा 2x है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस वन से प्लस वन होना चाहिए. यानी x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, ये आपका होना चाहिए माइनस वन बाई टू से लेके प्लस वन बाई टू तक. इसका जो इंटरसेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ये पहली वाली चीज कह रही है कि माइनस वन से वन के बीच में, और दूसरी वाली चीज कह रही है कि माइनस हाफ से हाफ के बीच में, ठीक है. तो दोनों का इंटरसेक्शन आई एम श्योर आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, राइट. दोनों का इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है. तो आंसर क्या देंगे हम लोग, माइनस हाफ से प्लस हाफ, राइट, और डेफिनेटली इन द क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, माइनस हाफ से प्लस हाफ. तो ये एक ईजी क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा. If it is understood by all of you, please show me your hands fast. जल्दी से हाथ ऊपर करो जरा. गोविंद तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, that is good. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. माइक ऑफ कर लो बेटा. लेट अस मूव अहेड. एक दो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ करते रहें, राइट. और उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन अगर तुम अपनी साइड से पूछना चाहते हो, यू हैव ऑल द आई मीन फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू योर डाउट्स, ठीक है. तो आओ एक क्वेश्चन रैंडमली यहाँ से कर लेते हैं और एक क्वेश्चन रैंडमली अगले पार्ट से कर लेंगे. एक्सरसाइज 4.3 का है. मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कल हमने जितनी बातें की थी उसमें 4.6 तक के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है. इतनी चीजें हमने कर ली थी कि 4.6 तक के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए थे. डोंट अज्यूम दैट कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है, राइट. क्योंकि ये चीजें ईजी हैं, आगे जो चीजें आएंगी वो थोड़ी सी अच्छी आएंगी तो हम वहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है. अभी भी फिलहाल हमने इसको ओवर नहीं किया, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है. आइए इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ध्यान से देखना. तीन फेजेस में है, देख के ऐसा लगता है मुश्किल है बट ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं है. साइन ऑफ 4 टाइम्स
cos inverse root 3/2. जितने ब्रैकेट्स ओपन किए उतने ही क्लोज करेंगे, ठीक है। शुरू हमेशा कहाँ से करेंगे, जो सबसे अंदर ब्रैकेट है वहां से, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे cos of root 3/2। तो समझने की बात तो बहुत ईजी है कि हमारे पास ये जो cos है वो root 3/2 कहाँ पे आता है, 30 डिग्री यानी कि पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 पाई बाई सिक्स आएगा। 4 पाई बाई सिक्स को क्या मैं 2 पाई बाई थ्री लिख लूं? I can write 2 pi by 3, ठीक है? तो मैं इसको 2 pi by 3 लिखता हूं। अब मेरे पास जो sin की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, sin 2 pi by 3. 2 pi by 3 is nothing but, okay, 2 pi by 3 is nothing but pi by 2 plus pi by 6, right? Actually ये जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 120 डिग्री है, ठीक है? तो ये जो वैल्यू आ गई बेटा, ये साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, तो बिल्कुल ये सब 11th क्लास की चीजें हैं, राइट? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है बेटा, दिस इज साइन थीटा, ठीक है, ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स इज हाउ मच, इट इज 1/2, राइट, 1/2। तो 2 × 1/2 कितना हो गया बेटा, 2 × 1/2 इज 1, तो ये आपका आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, राइट? सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस वुड बी पाई बाई 4, ठीक है, the answer for this part is pi by 4, ठीक है, I hope that is clear. एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ से, this one, right? tan inverse of this, ठीक है, अब देखो tan inverse है बेटा, तो tan inverse कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होना चाहिए, और cos inverse जब आएगा तो ये 0 से pi के बीच में होना चाहिए, ये basic बातें हमें समझ में आनी चाहिए, राइट? यहाँ ओपन ब्रैकेट और यहाँ क्लोज ब्रैकेट रखा है मैंने, आई हैव केप्ट इट क्लोज्ड, ठीक है, ओके। अब देखना है कि वैल्यूज क्या लें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम तक के क्वेश्चन जनरली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा डिफिकल्ट होते हैं, बट ये स्लाइटली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कुछ हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ से कैसे डील करेंगे इस बात को समझते हैं। देखो अगर ये वैल्यू, ध्यान रखना काम की बात बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपके पास tan इनवर्स और कॉम्पिटिशन के लिए वही चीजें चाहिए होती है, रटने वाली चीजें बहुत काम नहीं आती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, स्कूल लेवल पे काम आ जाती है, आगे काम नहीं आती। टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली वेन थीटा लाइज इन द गिवन रेंज, where to where, minus pi by 2 से लेके pi by 2 तक, equal to नहीं होगा ना, मैंने equal to का sign हटा दिया, ठीक है, ये तभी होगा जब theta तुम्हारा minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में है। समझने की बात ये बेटा कि ये जो angle इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, right, this particular angle 5 pi by 6, ये आपका pi by 2 से क्या है, ये बड़ा है, इसको अगर तुम देखो तो ये जो है हम लोग लिख सकते हैं pi minus pi by 6, 5 pi by 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, pi minus pi by 6, ठीक है। तो ये और इसी तरीके से ये तुम्हारा 0 से पाई होना चाहिए था, अगर तुम इसको देखो तो ये जो 13 पाई बाई 6 है, ये जो आपके पास 13 पाई बाई 6 है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। ये सारे डिस्कशन, ये सोचने का प्रोसेस, ये सब तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ईजी करेंगी, नहीं तो हर केस में चार पाँच फॉर्मूले दे रखे हैं, 6 के लिए तुमने चार पाँच फॉर्मूले किए तो ऑलमोस्ट 5 × 6 30 फॉर्मूले याद करते फिरोगे, और अगर इस बात को समझ लिया तो एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे तो हमेशा सही आंसर निकालोगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई के आईएससी के स्कूल एग्जाम में आता है तो जनरली एक मार्क का आता है, तो वहाँ पे स्टेप्स वैसे मैटर नहीं करते, और कॉम्पिटिशन में ये डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली पूछते हैं, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये वाली बात जो है, ये थीटा नहीं है, तो हमें देखना है कि ये थीटा भाई कब होगी, एग्जैक्टली ये कैसे किसके पास होगा। तो ये मैं देखता हूँ कि tan pi minus pi by 6 होता कितना है, pi minus pi by 6 ये मेरे पास आएगा, right? tan pi minus theta ये कितना होता है, ये होता है minus tan theta, यानी कि minus tan pi by 6, और minus tan pi by 6 कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 1/√3, यानी ये आपको मिल गया -1/√3। अब ये देखना है कि tan inverse
माइनस वन बाई रूट थ्री इस पर्टिकुलर रेंज में कहां पे आएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। टेन वन बाई रूट थ्री कहां पे आता है बेटा, पाई बाई सिक्स पे आता है, तो माइनस वन बाई रूट थ्री कहां पे आता है, माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली कितनी, माइनस पाई बाई सिक्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये कितना हो गया मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है टू पाई प्लस थीटा। अब टू पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस टू पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, ये कितना बचेगा मेरे पास, पाई बाई सिक्स। ये हो गया माइनस पाई बाई सिक्स, ये हो गया प्लस पाई बाई सिक्स, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सो आई होप दैट इज फाइन चिल्ड्रन, राइट। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट शीट, राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है तुम पूरे बिना हेजिटेशन के मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ये वाले क्वेश्चन शायद अभी बच्चे ने पूछा था, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, इसका ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, और ये वाला पार्ट बहुत आसानी से हम सब लोग कभी भी कर सकते हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर सेकंड वर्स एक्स की बात होती है तो हमें मालूम है कि ये जो एक्स है ये हमेशा माइनस वन से छोटा होता है और ये हमेशा वन से बड़ा होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज लेस देन माइनस वन एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लस वन, ठीक है। तो यही दो चीजें यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे और उन दो चीजों को अप्लाई करके हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो से लेके आपका माइनस इनफिनिटी से जीरो और टू बाई थ्री से वन, ये यहीं से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे, थ्री एक्स माइनस वन रखोगे, ठीक है। क्या रखोगे यहाँ पे, थ्री एक्स माइनस वन रखोगे। आउट कर ही देता हूँ यार, आप भी बोलोगे सर ऐसे आप खाली बोल बोल के सारे क्वेश्चन कर देते हो, लेकिन मुझे लगता है कि चलो अच्छे क्वेश्चन हैं पहले उसको देखेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैंने ऐसे किया तो 3x माइनस वन, यहाँ से क्या आ गया बेटा, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 3x इज लेस देन माइनस वन, माइनस वन गया, ये आ गया जीरो, सो x इज लेस देन जीरो, ठीक है, जीरो बाई थ्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 3x इज ग्रेटर देन टू, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, टू बाई थ्री, ठीक है। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू ही होगा, तो ये क्या निकल के आया, x इज लेस देन जीरो एंड x इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री, यही तो है ये, लेस देन जीरो एंड टू बाई थ्री, ठीक है। सिमिलरली आप ये सारे टिल 4.6 कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। अगर कोई क्वेश्चन आपको मेरे से डिस्कस करना है आप बेशक कल भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, लेकिन हाँ 4.6 तक अब आपको परेशानी नहीं आएगी। आओ एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ये डोमेन वाला क्वेश्चन हमने कम डिस्कस किया है, तो आओ इस तरह का एक और कर देते हैं, ये ओरली हो जाएगा। कॉर्टेक्स है, राइट। अब तुम्हें मालूम है कि कॉर्टेक्स में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होती है डोमेन होती है क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, राइट। क्यों, क्योंकि tan n पाई पे जीरो होता है, इसीलिए n पाई पे ये चीज डिफाइन नहीं होती। cot इनवर्स x की ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही तो आंसर होगा बेटा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या, ये बोल रहा है कंप्लीट r और ये बोल रहा है r माइनस n पाई, तो डेफिनेटली जो छोटा सेट है वही इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, r माइनस n पाई, सेकंड का r माइनस n पाई। हां डेफिनेटली n बिलोंग्स टू z, ये मैंने कल तुम्हें बताया था, अभी मैंने लिखना नहीं लिखा था, लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेईई 2012 मेंस। आई गिव यू अ मिनट, जरा ट्राई करके देखो, एक मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो। Yes, anyone with the answer? बढ़िया सा क्वेश्चन आ रखा है, लॉग भी है, अंडर रूट भी है, टेन इनवर्स भी है, दिखने में काफी खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, करके देखें, इतना मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है।
और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप हमेशा चीजों को कर लोगे, ठीक है। ये इसके काफी सारे मैसेज आ रखे हैं अनंत के, मैंने देखा ही नहीं था। ऐसा कैसे होता है कि पासवर्ड किसी को सही होता है किसी का गलत होता है? ऐसा नहीं पॉसिबल है। इट इज ओनली पॉसिबल अगर आप कुछ टाइपिंग एरर करते हो सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सिस्टम में ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिस्टम में यही अच्छी बात है कि आपने जो फीड कर दिया वो कर दिया। अगर सेम पासवर्ड पे और लोगों का लॉगिन हो रहा है तो एक का कैसे नहीं होगा सर? हाँ बोलो सर। आंसर माइनस पाई प्लस टू अपॉन टू से लेकर पाई प्लस टू अपॉन टू तक है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे मैं वैल्यू देखता हूँ बेटा, तो ये tan इनवर्स के अंदर है तो x की तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, तो पाई के फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए। पाई के फॉर्म में इसका आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ मैं देख सकता हूँ, राइट, मैं इसका आंसर क्या है ये मैं देख सकता हूँ। मैं तो आंसर बता सकता हूँ कितना। इसका आंसर जो मेरे पास लिखा हुआ है, अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ये वन से लेकर इन्फिनिटी तक। नहीं बेटा, ये वन से लेकर टू तक लिखा हुआ है। वन में इसका ओपन ब्रैकेट है और टू में क्लोज ब्रैकेट है। Right, this is the given answer. आओ देख लेते हैं. Right, this is the given answer. आइए देखते हैं. Let us see this question. ध्यान से देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस question में. Okay, जिस step में ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है? तो under root के अंदर है. सबसे पहले under root वाली चीज से ही शुरू करते हैं. Right? तो वो चीज क्या है? log of pi by 4 tan inverse x minus 1 minus 1 this thing tan inverse, ये minus 1 जो last वाला है ये अलग है, ठीक है, इतना ही है। ये वाली जो चीज है, right, ये tan वाली चीज इसके साथ है, right, log of this and this particular value has to be greater than equal to 0. Okay? इतनी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए कि ये वाली जो value है क्या होगी, greater than equal to 0. अब again वही log की property जो कई बार मैंने तुम्हें बताई है, क्या log of a is equal, log of a to the base b is equal to c है, तो यहाँ से तुम्हें पता होना चाहिए कि a is equal to b raised power c होता है, ठीक है। ये कई बार मैंने आपको बताया है और ये ध्यान रखो, देखो कितनी बार कई जगह तुम्हें मिलता रहता है, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, राइट। अच्छा, ये इस माइनस 1 को क्यों ना उठा के मैं राइट साइड पे ले जाऊं, ठीक है, क्यों ना मैं इसको उठा के राइट साइड पे ले जाऊं। तो ये जो मेरे पास बन रहा है, ये log यहीं पे अभी होगा, log ऑफ पाई बाई 4 एंड दिस इज, ये माइनस 1 मैं उधर ले गया तो ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या आ गया, ये चीज आ गई मेरे पास कि ये हमारे पास जो है ये वन से बड़ा है। देखो कभी भी बेस अगर तुम्हारा वन से छोटा होता है, ठीक है, पाई बाई फोर क्या है, इट इज लेस देन वन, ये बात हमने अभी किसी क्वेश्चन में पीछे देखी भी थी, ठीक है, और अदरवाइज भी हमें ये बात समझ में आनी चाहिए दैट पाई बाई फोर इज लेस देन वन, पाई इज 3.14 तो डिवाइड बाई फोर करेंगे डेफिनेटली लेस देन वन होगा। कभी भी तुम्हारा बेस अगर लेस देन वन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है जब हम इसको उठा करके ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करता हूँ, व्हेनेवर द बेस ऑफ द लॉग, राइट, जैसे इन दिस केस बी, अगर ये वाली चीज हमारे पास लेस देन वन है, राइट, जीरो से वन के बीच में, बिकॉज जीरो से तो बड़ी हमेशा होती ही होती है, ठीक है, तो अगर ये जीरो से वन के बीच में है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी ये मतलब है हमारा कि tan inverse of x minus 1 will be less than equal to what? Pi by 4 raised to the power 1, right? B raised to the power C, base raised power, whatever is on the right hand side. ये कितना आ गया बेटा? Pi by 4 आ गया, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखो एक चीज और यहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान से समझनी है, IIT का क्वेश्चन है, वो तुम्हें तुम्हारे फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि तुमने पढ़ाई कितनी सॉलिड तरीके से कर रखी है, राइट, उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने फॉर्मूले रखे हैं, तुमने जो पढ़ा है वो कितना सॉलिड तरीके से पढ़ा है, ये जरूर डेफिनेटली वो चेक करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ इतने पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सही आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है।
क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये राइट साइड की स्क्रीन में इरेज कर रहा हूँ और फिर आगे वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा इस चीज के लिए, बेटा लॉग के अंदर, राइट? अगर मैं लॉग ऑफ ए टू द बेस बी कहता हूँ तो हमें मालूम है कि ए हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, बी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, एज वेल एज बी कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। मैंने फंक्शंस में ये चीजें जरूर आपसे डिस्कस की होंगी। जिन्होंने क्लास मिस की है, रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल है, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है? मैंने ये बात भी एम्फसाइज किया होगा कि आईआईटी में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है? और तुम देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे मिल रहे हैं। तो अब ये जो वैल्यू है, राइट, दिस वैल्यू लॉग के अंदर जो है वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज है, अब ये देखो लॉग के अंदर पास वैल्यू क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास लॉग के अंदर है। तो ये वन से, ये यहाँ पे ये जो चीज है ये हमारे पास इससे तो छोटी है, लेकिन क्या ये हमारे पास वन, ये हमारे पास ये जीरो से बड़ी नहीं होगी। This will always be greater than zero, ठीक है? तो ये चीज हमें यहाँ से definitely समझ में आनी चाहिए थी कि ये जो चीज क्योंकि log के अंदर है, तो this thing has to be greater than zero. Now the moment you arrive at this conclusion, the question is almost done. The question is almost done. अब मैं क्या करूँगा? I'll simply take tan on all the places, right? मैं tan लूँगा. So tan of zero is less than, अब ये tan inverse, ये tan और tan inverse cancel हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? Tan of zero कितना हो गया? Zero. राइट, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है? और इधर टेन पाई फोर कितना हो गया? वन। यानी अब मैं इसको उधर लेके जाऊं तो ये कितना हो गया? वन एक्स, और इधर वन लेके गया तो ये कितना हो गया मेरे पास? अच्छा, ये ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल टू था बेटा, ये कितना हो गया? टू। तो आई थिंक शायद मैंने आपको यही आंसर बताया होगा, दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन वन एंड टू। दो तीन चीजें थी इसमें सीखने वाली और ध्यान रखने वाली, ठीक है? जिसको भी समझ में नहीं आया है वो बिना हेजिटेशन दोबारा पूछ सकता है, ठीक है? मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ, बिफोर यू आस्क मी एनीथिंग आई शुड रिपीट इट एट माय एंड, राइट? द फर्स्ट थिंग वाज कि तुम्हें ये समझना था कि अंडर रूट के अंदर है, तो ये जो अंडर रूट के अंदर जो वे एक्सप्रेशन है, दैट थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, हमने वहां से इसको शुरू किया, ठीक है? माइनस वन ये लॉग के बाहर था, हमने इसको अलग से माइनस वन लिखा, ठीक है? लॉग के बाहर है, लॉग में तो इतना ही टर्म है ना, दिस इज लॉग वाला टर्म। तो हमने देखा भाई ये माइनस वन, माइनस वन को उठा के इधर ले गया, इधर आ गया, और फिर हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज की। और मैंने आपको ये बताया कि कभी भी बेस जब वन से छोटा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ध्यान रखना, ये भी सीखने वाली चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। इसके पीछे का लॉजिक तुम अगर समझना चाहते हो तो मैंने कहा भी था कि मैं लॉग का एक्सपेरिमेंटल क्लास लूंगा, हालांकि लॉग हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट, छोटे क्लास में होता है, लेकिन लॉग के एप्लीकेशन इतने ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिशन में कि मैं लॉग की एक्सपेरिमेंटल क्लास लूंगा जिसमें मैं सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग के बेसिक चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इन सब की बात हम लोग डिटेल में कर लेंगे, ठीक है? Sir, why are we not taking pi as 180 degree? अच्छा, बेटा, radians में ही हम चीजों को डील करते हैं, ठीक है? Pi as 180 degree हम लोग नहीं ले सकते, pi की वैल्यू 180 degree तब होती है। देखो ये pi एक कॉन्स्टेंट होता है बेटा, pi एक कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। ये जो हम लिखते हैं ना पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक्चुअली हम कहना ये चाहते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए तुम्हारे पास अलग अलग यूनिट्स होते हैं, फीट होता है, इंच होता है, मीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, राइट? उस यूनिट में इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पाई पाई नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये एंगल है, इट इज पाई रेडियन। इसीलिए पाई को तुम 180 से इक्वेट नहीं कर सकते। तुम यहाँ पाई को किससे इक्वेट कर सकते हो? 3.14 से इक्वेट कर सकते हो। आदित्य, आई होप दैट इज क्लियर, दैट वाज योर क्वेश्चन कि सर 180 से क्यों नहीं इक्वेट कर रहे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। नाउ द मोमेंट यू डू दिस, उसके बाद की प्रॉब्लम कोई ऐसी टेंशन नहीं है, स्ट्रेट अवे जैसे हम यहाँ पे आ गए। तो एक चीज मैंने ये बताई कि अगर बेस तुम्हारा जीरो से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज हियर व्हेन यू अप्लाई द लॉग चेंज बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए, राइट? ये चीज दी हुई नहीं है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है कि ये वाली चीज जो है ये जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए। ये अगर तुम मिस कर दोगे तो कंप्लीट आंसर कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, very very good question, although we are exceeding the time, but I hope you don't mind, it's a wonderful question, it was asked in IIT Advanced 2015, right? समझ में तुम सबको आएगा, ध्यान से देखना, समझ में तुम सबको आएगा, ठीक है? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
अच्छा क्वेश्चन है राइट। अच्छे क्वेश्चंस की खास बात बोलो बोलो बेटा, अभी कोई कुछ बोल रहा था। चलो एनीवेज कुछ भी कहना है तुम माइक यूज कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, जैसे वैसे कर सकते हो, नो इश्यूज। देखो भाई पहले क्वेश्चन समझते हैं ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊं ये आईआईटी में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ तो सिंगल चॉइस वाले होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में यू कैन हैव मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट राइट। इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन हैव मोर देन वन आंसर करेक्ट ठीक है। सर लास्ट स्लाइड का स्क्रीन शॉट क्लिक करना है। अच्छा ये लो भाई लास्ट स्लाइड का स्क्रीन शॉट क्लिक कर दो, क्लिक कर लो भैया, हो गया होगा आई थिंक। चलो सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है अल्फा कोई एंगल है राइट, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे ये थ्री होना चाहिए था ठीक है, ये थ्री होना चाहिए था। हाँ बोलो बेटा sir. हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो, हमारी आवाज बड़ी कट, मल्टीपल चॉइस। हाँ इसमें मोर देन वन ऑप्शन मल्टीपल चॉइस है। हाँ मल्टीपल चॉइस है जिसमें मोर देन, तो इसमें मेरे ध्यान है मोर देन वन ऑप्शंस तुम्हारे सही होंगे इसमें ठीक है। ये ठीक कर लेना, ये 3 sin inverse 6/11 मेरे ख्याल से होना चाहिए, और वो भी जो है वो 3 cos inverse 4/9 होना चाहिए। प्लीज करेक्ट दैट क्वेश्चन ठीक है, वो 3 मैं मेरे से टाइपिंग एरर हुआ है। यस सर ये करेक्ट है। हां आप इसको ठीक कर लीजिए, ये 3 होना चाहिए था यहां पे। तो इसमें हमें ये बताना है राइट, इसमें हमें ये बताना है वेयर द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टेक द प्रिंसिपल वैल्यूज। ये देखो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राइट, मैंने तुम्हें कहा भी था कि क्लियरली मेंशनड होगा एग्जाम में तुम्हारे पास राइट। अगर ये मेंशन नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ही लेते ठीक है, और क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है फिर कोई टेंशन ही नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ही लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोचने का प्रोसेस, अगर तुम इसको बेसिक तरीके से सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर तुम लॉजिकल तरीके से सोचोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी है। देखो मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, टाइम थोड़ा कम है इसलिए फटाफट करके बताऊंगा। ये मेरे पास अल्फा एक एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू इन्होंने बोली है 3 साइन इनवर्स 6/11, और फाई एक दूसरा एंगल दे रखा है विच इज 3 कॉस इनवर्स 4/9 ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, देखो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जितने ऑप्शन है सारे के सारे इनइक्वालिटी में। मैं बार बार कहता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू स्टाइल में ही करना चाहिए, चाहे एग्जाम आईआईटी का हो या सीबीएसई का हो या आईएससी का हो, जहां मर्जी हो राइट। जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी तरीके से सोचने की हैबिट डेवलप करो। अब यहाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमेशा ऑप्शंस देखूंगा, ऑप्शंस में मुझे सारे के सारे इनइक्वालिटी दिख रही है, और यहां से मुझे एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि हम यहां पे क्यों ना इनइक्वालिटी है तो इसमें हम अप्रॉक्सिमेट वैल्यू निकाल लें। जैसे ये 6/11 है, कितना है 6/11, अगर ये 6/11 की जगह पे 6/12 बिल्कुल सही, अगर ये 6/12 होता, अगर ये 6/12 होता तो ये होता 1/2, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 जिसकी वैल्यू हमें आती है। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बच्चों, इट इज π/3, yes or no right, it is π/3। तो π/3 अगर मैं यहाँ पे π/3 या π/6 होगा, sorry it will be π/6, तो π/6 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब देखो हमने डिनोमिनेटर को छोटा किया है ठीक है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर दी, यानी ये जो अल्फा होगा दिस वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3 साइन इनवर्स 1/2 राइट। और अगर आप यहां से देखो तो अल्फा के बारे में आप क्या कह सकते हो, अल्फा इज ग्रेटर देन ये π/2 कितना आ गया, π/6, π/6 * 3 इज व्हाट, इट इज π/2, यानी अल्फा के बारे में हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया दैट अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, π/2। सिमिलरली अब इस अगर मैं फाई की बात करूं ठीक है, cos क्या होता है बेटा, cos तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक है। यहाँ पे ये 9 दे रखा है, इस 9 को अगर मैं 8 बना लूं, अब आप सोच रहे होगे सर 8 क्यों बना रहे हो, 8 इसलिए बना रहे बिकॉज इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, इट बिकम्स 1/2 राइट। स्लाइड चेंज इनइक्वालिटी है, स्लाइड चेंज करके हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं ठीक है, 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 ओके। अब ये देखना है कि cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है ठीक है, cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, आई थिंक π/3 पे होता है
ठीक है, पाई बाई 360 डिग्री पे होता है, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स पाई बाई 3, राइट। अगेन ये वाली जो वैल्यू है, ये जो तुम्हारा फाई है, राइट, ये जो फाई है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अगेन ग्रेटर देन दिस, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, दैट फाई इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन ये निकला दैट द सेकंड एंगल इज ग्रेटर देन पाई एंड द फर्स्ट एंगल इज ग्रेटर देन, यहां भी ग्रेटर देन लिखना चाहिए था, इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज हमने कुछ वैल्यू चेंज की है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन पाई बाई 2 है और ये ग्रेटर देन पाई है। अब मैं ऑप्शंस देखना शुरू करूंगा। ये कह रहे हैं cos phi इज ग्रेटर देन 0, कोई टेंशन ही नहीं है ना बेटा। cos phi, phi तुम्हारे पास एक एंगल है जो पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है यानी कि 180 से बड़ा है, यानी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये अल्फा से बड़ा है यानी अल्फा पाई बाई 2 से बड़ा है, यानी ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बोल रहे हैं कि cos ऑफ एनी एंगल व्हिच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इज ग्रेटर देन 0, इज इट करेक्ट? नो, इट इज रॉन्ग। Why? Because in the third quadrant, cos is always negative. Similarly, sin phi. Okay, sin in the third quadrant, definitely it is less than zero. It is absolutely correct. Right? Agar main third, ek minute beta, let me finish. Give me 1 minute. Cos of alpha plus phi. Alpha plus phi kitna ho gaya? Pi plus pi by 2. Ye ho gaya tumhare paas 3 pi by 2. Yani ki ye fourth quadrant mein chala gaya. Fourth quadrant mein cos is positive. It is positive. Cos alpha is less than zero. Alpha pi by 2. Right, cos alpha is, yes, it is positive. बिल्कुल सही. Right, ये आपका less than zero जाएगा. क्यों? Because ये second quadrant में है. Second quadrant में cos क्या होता है? Negative होता है. तो इसका answer होना चाहिए था B, C as well as D. Three options are correct. आप बोलो जो पूछ रहे थे. बोलो बेटा. Sir, ये वाला सही है? ये वाला गलत है. सर जैसे यहाँ पे 4/8 बड़ा है 4/9 से. हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो. 4/8 बड़ा है, कॉस करेंगे तो अपोजिट हो जाता है ना, तो कॉस तो उल्टा चलता है, इसलिए कॉस 3 कॉस इनवर्स 4/9 बड़ा हो जाएगा. 4/9 3 कॉस इनवर्स 4/9 बड़ा हो जाएगा 4/8 वाले से. मैंने वही किया बेटा, बड़ा ही किया है मैंने उसको. ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे phi को क्या लिया, इट इज ग्रेटर देन pi, ठीक है. इसको हमने बड़ा ही किया है, एंड दैट इज व्हाई मैंने क्या बोला कि phi किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में. इज इट ओके? ठीक है, दिस इज दिस इज है ना, ये बड़ा ही होगा बेटा जब हम वैल्यूज, क्योंकि cos तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और sin तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है. यहाँ पे ठीक उल्टा चलेगा, अगर मैं वैल्यू छोटा करूंगा तो ओवरऑल एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. यहाँ अगर वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एंगल भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना. तो हमने इस चीज को ध्यान दिया है और इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, करो, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. पेन स्प्रेड होगा वरना, पेन पे ध्यान से. इज इट ओके बेटा? तो इसमें आपके पास टोटल बी सी डी 3 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. First option is wrong. Cos of alpha is greater than 0 as alpha is definitely greater than pi by 2 which is in the second quadrant. So cos of any angle which is in the second quadrant has to be negative. ठीक है, इसीलिए ये option मैंने यहाँ पे गलत किया था. ठीक है, यहाँ मैंने इसको गलत किया था, तो यहाँ इस तरफ कर दिया था. ठीक है, and rest of the things, ये sin alpha is less than 0, right? Sorry, sin phi. तो sin phi हमारा third quadrant में है, तो third quadrant में sin is definitely negative. Cos alpha plus phi, एक तुम्हारे पास पाई बाई 2 से बड़ा है, एक पाई से बड़ा है, इसका मतलब ये कहाँ पहुंच गया, 3 पाई बाई 2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, डेफिनेटली पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये भी सही है. कॉस ऑफ अल्फा इज लेस देन 0, यस इट इज. सो लेट मी सी द हैंड जिनको ये बात समझ में आ गई है, फास्ट फटाफट से बताओ किसको समझ आ गया. वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है. जिसको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, स्क्रीनशॉट चाहो तुम लेके रख सकते हो. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसको ध्यान से देखिएगा. नहीं समझ में आता है, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग इट वन मोर टाइम. ठीक है, दोबारा पूछ लेना, नो प्रॉब्लम. सो आई विल स्टॉप इट हियर इन टुमारोज क्लास. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आई विल बी डिस्कसिंग द डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ ITF व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक. ठीक है, जो बेसिक बातें हैं जो समझने की हैं, राइट, उस पे आप देखते होंगे मैं हमेशा ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ. ठीक है, कल हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो टुमारो एट 3 o'clock वी मीट अगेन.
to start with properties of IDF. Anything else, children? You can ask. You can use your mic and you can ask. Anyone?